subscribe, and turn your notifications on. Chapter 21, Defamation. इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी सजा क्या है और ये होता कैसे है और ये रिटन फॉर्म पे कब होता है, आप किसी को रिटन फॉर्म पे कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप ओरली किसी इंसान को कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप अपने अशारों से किसी इंसान को कब डिफेम करते हैं और इनकी सज़ा क्या है जब आप किसी इंसान को ओरल या रिटन किसी फॉर्म पे या इशारों के साथ उसको डिफेम करते हैं, तो उनकी सजाएं क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सेक्शन 501 डील करते हैं पनिशमेंट के बारे में। व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 501, हम इस सेक्शन में यही देखेंगे। व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग ड्रॉइंग मैटर नॉन टू बी डेफेमेटरी, इसकी पनिशमेंट क्या है प्रिंटिंग की या आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या ड्रॉइंग कर रहे हैं या यू नो डिजाइन कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट क्या है। FIR अंडर सेक्शन 501, तो FIR अंडर 501 डेफेमेशन। अच्छा, प्रिंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग ड्रॉइंग डिजाइन मैटर नॉन टू बी डेफेमेटरी, हूएवर प्रिंट और रिप्रोडक्शन ड्रॉइंग एनी मैटर नॉइंग or having good reason to be believed that such matter is defamatory of any person shall be punished with simple imprisonment of a term which may extend to 2 years or fine with both. Jo insaan defamatory material ko print karega ya usko draw karega ya usko design karega ya usko reproduce karega to usko jo saza milegi na wo usko 2 saal ki saza milegi aur saath mein usko fine bhi hoga. To ye cheez, तो यानी कि उसने उसको आगे उसको प्रिंट करके प्रिंट कर रहा है उसको यू नो उसकी कॉपियां बना रहे हैं, डेफेमेटरी की कॉपियां बनाना शुरू कर दी, उसने उसको डिजाइन करना शुरू कर दी है, तो जो इस तरह से वो करेगा बंदा उसको सजा उसकी 2 साल की सजा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन।